डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज तारीख है 6 अक्टूबर और इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपके लिए कराऊंगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। वोकैबुलरी का वीडियो रात को 9 बजे और ये करंट अफेयर्स का वीडियो सुबह के 4 बजे आपके लिए अपलोड किया जाता है। इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। जो भी अतिरिक्त जानकारी दूंगी, जो भी एक भी वर्ड मेरे मुंह से निकलेगा ना जो इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है देखने में आपका, मैं सिर्फ बोल रही हूं, वो आपको पीडीएफ में मिलेगा। आज की वीडियो के लिए हम 24 घंटे के अंदर 7000 व्यूज और साथ ही साथ 1200 लाइक्स का टारगेट ले रहे हैं और कल आपने टारगेट बहुत ही अच्छे से अचीव किया। इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार। मैं गारंटी देती हूं आपको कि अगर आप ये मेरे करंट के वीडियोस देखते रहें आपके स्टैटिक जीके में भी और करंट अफेयर्स में भी बहुत अच्छा सुधार होगा, आपको खुद एहसास होगा। सेम चीज़ वोकैबुलरी के लिए भी है, बदले में बस आप एक लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, और जहां भी पॉसिबल हो वहां शेयर कीजिए। दैट्स ऑल आई आस्क फॉर इन रिटर्न। आगे चलते हैं, यहां पर कुछ कोर्सेज हैं जो पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस ऑफर करता है, ऑनलाइन कोर्सेज। कल की क्विज के आपको आंसर्स देती हूं। Who was the first woman to win a Nobel Prize in Physics? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मैरी क्यूरी उनका नाम है। भारत ही में हाल ही में भारत में 23वां खुले में शौच मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर है मणिपुर। आप में से अधिकतर लोगों ने आंसर राइट दिया, थैंक यू सो मच सही आंसर देने के लिए, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्राम पुरस्कार 2018 में पहला स्थान मिला है? कौन सा राज्य है जो प्रथम आया है? उत्तर है इसका हरियाणा। जहां भी हरियाणा जवाब हो, हरियाणा से संबंधित प्रश्न आए, जितने भी लोग एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं जो प्रिलिमिनरी देने वाले हैं या हरियाणा में एग्जाम्स दे रहे हैं जो हरियाणा गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है, वो उस पर स्पेशल फोकस करें। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारा हरियाणा है और हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने टॉप स्टेट को, टॉप डिस्ट्रिक्ट को इनको इनाम दिए हैं और प्रथम पोजिशन मिली है हरियाणा को। ठीक है, हरियाणा फर्स्ट पोजिशन पर था, हरियाणा के बाद सेकेंड पोजिशन पर कौन था? हरियाणा के बाद सेकेंड पोजिशन पर था गुजरात और थर्ड पोजिशन पर था महाराष्ट्र। और अगर टॉप थ्री डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं मैं, भारत में टॉप तीन जिले, ओके, जिनको स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड में टॉप थ्री जिले कौन से आए, तो सबसे पहले आया सतारा, सतारा जो है ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद आया रेवाड़ी इन हरियाणा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए हरियाणा का वो कौन सा जिला था जिसको फर्स्ट पोजीशन मिली, तो आंसर है उसका रेवाड़ी, ओवरऑल सेकंड लेकिन हरियाणा का सबसे टॉप पर। और तीसरी पोजिशन पर था तेलंगाना का पेड्डापल्ली। तो ये थी जानकारी पहले प्रश्न के बारे में। अब आपको मैं मैप में दिखाती हूँ हरियाणा, और अगर आप जानते हैं हरियाणा के बारे में तो मेरे साथ रिवाइज करें। नॉर्दर्न इंडिया का एक राज्य है, पंजाब में से बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को, भाषा के आधार पर अलग किया गया था हरियाणा। कैपिटल है यहां पर चंडीगढ़, 22 जिले हैं, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है 90 सीटों का। राज्यसभा में 5 सीटें और लोकसभा में सीटें हैं इनकी 10। ठीक है, साथ ही साथ हरियाणा जो है अगर एरिया की बात की जाए तो छोटा सा ही राज्य है, 21st पोजीशन है उसकी एरिया में। हरियाणा छोटा सा राज्य है पर स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ के पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हरियाणा पैसेंजर कार का, ट्रैक्टर का, मोटरसाइकिल का, साइकिलों का, इन सब चीजों का। और हरियाणा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सभी राज्यों में हरियाणा जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बासमती चावल का टू ओवरसीज मार्केट। कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा अपना बासमती चावल जो है विदेशों में भेजता है? तो आंसर आएगा हरियाणा। यहाँ पर पानीपत का हैंडलूम बहुत मशहूर है, पानीपत के कारपेट बहुत मशहूर हैं और सभी गाँवों तक बिजली पहुँचाने में भी हरियाणा का नाम जो है ऑलमोस्ट अर्लीस्ट स्टेट्स इन इंडिया में आता है। अधिकतर पॉपुलेशन जो हरियाणा की है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है हरियाणा में है
और कलेसर नेशनल पार्क भी जो है वो हरियाणा में ही लोकेटेड है। तो ये थी सारी जानकारी हरियाणा के बारे में, आपको लेकर चलती हूँ दूसरे प्रश्न पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जस्टिस सूर्यकांत जो हैं उनको किस राज्य का नया चीफ जस्टिस, किस राज्य में नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, आपको बताना है वो कौन से हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। ओके, जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को कौन से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर टू के लिए आंसर जो है वो ए है। मैं आपको तस्वीर में दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये है हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और ये है जस्टिस सूर्यकांत। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया धनवान सूची जारी की गई है 2018 के लिए, इसके अनुसार लगातार 11वें वर्ष के लिए सबसे अमीर भारतीय कौन है? ओके, मतलब कि ये जो व्यक्ति है ये पिछले 10 सालों से बन रहा है और अभी 11वीं बार बना है। आंसर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है ये चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, ठीक है, और ये 11वीं बार सबसे धनवान व्यक्ति बने हैं फोर्ब्स इंडिया लिस्ट 2018 में। सर फर्स्ट पोजिशन पर ये है। सेकेंड पोजिशन पर प्रो के चेयरमैन है जिनका नाम है आजिम प्रेम जी, और थर्ड पोजीशन पर हैं लक्ष्मी मित्तल, ये थर्ड स्पॉट पर हैं। तो आंसर हमारा इसका क्या है? आंसर हमारा इसका मुकेश अंबानी है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए, तो ये हैं मुकेश अंबानी फर्स्ट, उसके बाद आजिम प्रेम जी सेकंड पोजीशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने कृत्रिम बुद्धि, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, सेवा प्रदाता ओथमी ओडी सेवाओं का अधिग्रहण किया है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। आंसर है इसका एयरटेल भारती। आंसर क्या है? आंसर जो है वो डी है, और एयरटेल भारती के चेयरमैन कौन है? सुनील, ओके, सुनील मित्तल जो है वो एयरटेल भारती के चेयरमैन है। ये था हमारा प्रश्न 4। When is World Teachers Day celebrated? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? हम World Teachers Day की बात कर रहे हैं। आप अच्छे से जानते हो कि हमारा जो National Teachers Day है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। इसके ठीक एक महीने बाद हम मनाते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे, यानी कि ये कब मनाया जाएगा? ये 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा, ठीक है। अब मैं बताती हूँ नेशनल टीचर्स डे क्यों मनाते हैं। इसका आंसर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वीडियो में आपके साथ कवर कर चुकी हूँ। इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे प्रिय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे है और वो भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वर्ल्ड टीचर्स डे है ये क्यों मनाया जाता है? ये वर्ल्ड टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यूनेस्को ने एक पैक्ट साइन किया था, ठीक है, और उस पैक्ट का नाम क्या है? उस पैक्ट का नाम है टीचिंग इन फ्रीडम, ठीक है, कि स्वतंत्रता के माहौल में पढ़ाना, टीचिंग इन फ्रीडम, ये इस पैक्ट का नाम है जिसको साइन किया गया था पेरिस में, और पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वहां पर इसको साइन किया गया था। इस पैक्ट को साइन किया गया था 5 अक्टूबर 1966 को, और इसमें टीचर्स से संबंधित बहुत सारे गाइडलाइंस जो है वो बताई गई थी, जैसे कि टीचर्स का रिक्रूटमेंट कैसा हो, उनकी जिम्मेदारियां क्या हो, उनको किन शर्तों पर एम्प्लॉय किया जाए, उनकी लर्निंग कंडीशन, टीचिंग कंडीशन क्या हो, उन सब के बारे में डिटेल्स थे। तो इसीलिए इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे। ओके, तो 5 सितंबर को हम नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं, और मेरे साथ अगर आपको याद हो तो रिवाइज करो, 5 सितंबर को ही हम इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी मनाते हैं क्योंकि उस दिन मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी है, है ना, और मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज भी मिला था पीस के लिए। आजकल काफी चर्चाओं में है नोबेल प्राइज। ये सारी जानकारी जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, बस आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर लिंक होगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। ये थी सारी जानकारी क्वेश्चन 5 के बारे में। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में जो महिलाएं हिरासत में हैं और न्याय तक उनकी जो पहुंच है उस पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ, आपको बताना है किस शहर में हुआ? ओके, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको आयोजित करवाया गया है शिमला में। आंसर क्या है इसका? आंसर जो है इसका शिमला है, ठीक है, तो आंसर यहाँ पर डी है। हिरासत में जो महिलाएं हैं उनको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, इससे संबंधित ये सारी कॉन्फ्रेंस थी जो शिमला में हुई। और आज हिमाचल प्रदेश 2 बार न्यूज में आ गया, एक तो वहां पर एक नए चीफ जस्टिस आए हैं हाईकोर्ट में और इस क्वेश्चन में। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ मैप में हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये देखो, ये है हिमाचल प्रदेश। ये स्टेट कब बना? 25 जनवरी 1971 को। यहाँ पर 2 कैपिटल्स हैं, शिमला और दूसरी है धर्मशाला। धर्मशाला जो है ये सेकेंड कैपिटल इन विंटर,
आपको बताना चाहूंगी, जम्मू एंड कश्मीर राज्य के भी दो कैपिटल हैं और महाराष्ट्र के भी हम ये कह सकते हैं कि दो कैपिटल हैं। अगर आप इन राज्यों के दोनों कैपिटल्स को जानते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके साथ ये कवर करा चुकी हूँ। गवर्नर जो है यहाँ पर आचार्य देवव्रत हैं, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, 68 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें और राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश की सीटें हैं 3। यहाँ पर जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है और यहाँ की जो माउंटेन रेलवेज हैं, कालका शिमला रेलवे, ठीक है, कालका शिमला रेलवे जो है ये वर्ल्ड की, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है, ठीक है। तो ये थी सारी जानकारी शिमला के बारे में। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है देखते हैं। What is the suspected reason for the death of lions in Gujarat? गुजरात में शेरों की मौत का संदिग्ध कारण क्या है? हाल ही में गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है वहां पर काफी सारे एशियाटिक लायंस की मृत्यु हुई है। कारण क्या माना गया? कारण पोचिंग, पोचिंग होता है शिकार, जी नहीं, प्रोटेक्टेड एरिया है तो शिकार तो हो नहीं सकता। कंजम्पशन ऑफ पॉइजनस वाटर, उन्होंने जहरीला पानी पी लिया, जी नहीं। बिजली का झटका लग गया, जी नहीं। आंसर है इन फाइटिंग एंड वायरल इन्फेक्शन। ओके, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए वो कौन सा इन्फेक्शन उनको हो गया, कौन सा वायरस था वो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप उसका भी नाम याद रखेंगे, इसको कहा जा रहा है CDV और CDV का फुल फॉर्म है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। ओके, कैनाइन डिस्टेम्पर, DISTEMPER, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, ये इन्फेक्शन हुआ है। अब यहाँ पर ये गिर नेशनल पार्क की बात हुई है तो मैं आपको गिर नेशनल पार्क के बारे में बताती हूँ। ये जो गिर नेशनल पार्क है आज के टाइम में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये फॉरेस्ट भी है, ओके। और यहाँ पर एशिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर कि आप जो एशियाटिक लायन है उसको उसके प्रोटेक्टेड एरिया में, नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं। और एक ज़माने में जो जूनागढ़ के नवाब थे ये उनका प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, यानी कि जूनागढ़ के जो नवाब साहब थे वो ये उनका प्राइवेट एरिया हुआ करता था जहाँ पर वो शिकार करने जाया करते थे। तो ऑब्वियसली लायन का अगर शिकार हो रहा है तो उसकी पॉपुलेशन कम होती गई। तो 19th सेंचुरी के अंत में क्या एहसास हुआ कि अरे केवल दर्जन भर ही ये शेर रह गए हैं। उसके बाद इसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया और शेरों की जनसंख्या, शेरों की संख्या बढ़े इसके लिए काम किए गए। तो 1965 में इसको एस्टैब्लिश किया गया गिर नेशनल पार्क को, ओके, और उसके बाद इसको प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया और उसके बाद यहाँ पर लायंस की पॉपुलेशन बढ़ी। लेकिन हाल ही में यहाँ पर काफ़ी सारे लायंस जो हैं उनकी मृत्यु हुई है और मरने का कारण इन फाइटिंग और वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। ये सारी जानकारी जो आपको दी है मैंने, ये सारी आपको PDF मिलेगी, मेरे साथ साथ कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग इंग्लिश मीडियम का वीडियो देखना चाहते हैं वो सीधे वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। मैंने वो वीडियो बनाना बंद नहीं किया है, वो अभी भी बन रहा है, केवल YouTube पर नहीं डाल रहे हैं। अगला प्रश्न है मिशन गंगे करने के लिए यहाँ पर है TSAF के साथ किसकी भागीदारी है, आपको ये बताना है। सबसे पहले तो आपको बताऊँ TSAF क्या होता है, ठीक है। TSAF की फुल फॉर्म है टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन। तो इनकी भागीदारी है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ। आंसर इसका सी है। क्वेश्चन 8, हु इज द न्यू CEO एंड MD ऑफ ICICI बैंक? ICICI बैंक के आपको नए CEO और MD का नाम बताना है। आंसर है संदीप बख्शी। चंदा कोचर जो है ये स्टेप डाउन कर रही हैं और अगर आप न्यूज वगैरह फॉलो करते हैं तो इनका नाम एक टाइम में हमेशा आया करता था शक्तिशाली महिलाओं में। अब ये स्टेप डाउन कर रही हैं क्योंकि इनके ऊपर कुछ आरोप वगैरह लगे, उसके बाद इनके ऊपर इंक्वायरी हुई, इनको एक फोर्स्ड लीव पर जाना पड़ा, तो ये स्टेप डाउन कर रही हैं और संदीप बख्शी जो है ये नए CEO और MD बनेंगे ICICI बैंक के। आपको तस्वीर दिखाती हूं इनकी, देखिए संदीप बख्शी, ये ICICI ग्रुप के साथ पिछले 32 सालों से हैं, ओके। पंजाब से इन्होंने इंजीनियरिंग की है और XLRI से MBA। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको हम कहते हैं ISA की पहली सभा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, आपसे ये पूछा गया है, ओके। ये हाल ही में बनाया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इसका जो फर्स्ट असेंबली हुई है वो कहाँ पर हुई है, वो हुई है गुरुग्राम में। वंस अगेन जो हरियाणा के एग्जाम्स दे रहे हैं वो ज़रा फोकस करें इस क्वेश्चन पर। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, ISA एग्जैक्टली क्या है? वो सभी देश जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लोकेटेड है, उनको सूरज से दुनिया भर की धूप मिलती है। तो इन लोगों का एक ये ग्रुप है जो ये कहता है कि आप मैक्सिमम सोलर एनर्जी को यूज कीजिए क्योंकि कुदरत ने हमें वो भरपूर मात्रा में दी है, उनका ये ग्रुप है। और 2017 में 121 जो देश थे वो इसके सदस्य बन चुके थे। इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो गुरुग्राम इन हरियाणा में है, ठीक है, याद रखना हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, गुरुग्राम इन हरियाणा में है, लेकिन इसकी जो फाउंडेशन है वो पेरिस फ्रांस में रखी गई थी। और ये उन देशों का ग्रुप है जो सोलर एनर्जी को भरपूर मात्रा में यूज करना चाहते हैं क्योंकि सोलर एनर्जी क्लीन एनर्जी है, सस्टेनेबल एनर्जी है, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो इनका हाल ही में इनकी फर्स्ट असेंबली हुई आईएसए की, इसको कहां इनॉग्रेट किया गया, इसको गुरुग्राम में इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस वीडियो के लिए हमने टारगेट लिया है 7000 व्यूज का विद इन 24 आवर्स और 1200 लाइक का टारगेट लिया है। जहां भी पॉसिबल हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, साथ ही वोकैबुलरी का वीडियो भी देखें जो रात को अब 9 बजे अपलोड होता है। क्विज फॉर द डे, व्हेन इज द वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, और दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। बाय बाय।